Good morning students of class 7th. Today I am going to teach you English literature. Poem is Beto Surprises. Okay. This poem has been composed by Louis Brant Phillips. Okay. The poet of is, this poem is Louis Brant Phillips.

मुलायम तथा तो मखवली घास पर चलना नदी की कलकल -कल करने की आवाज तितलियों द्वारा फूलों का रस निकलना इत्यादि दृश्य हमें अनगिनत खुशियां प्रदान करते हैं ये दृश्य प्रकृति के उपहार से कम नहीं है आगे चलने पर हमें घास में छिपा हुआ खरगोश मिल सकता है इसे हम तुरंत तो नहीं देख सकते पर शीघ्र ही यह डरा हुआ होने की वजह से आपके सामने उछलता हुआ नजर आता है ओके अगले ही दिन आपको पीले फूल खिले हुए नजर आएंगे ओके घास भूमि में हमें कई घर भी मिल जाते हैं छोटे छोटे घर जाएंगे जमीन में मंद लंबी घासों के के नीचे घोंसले बिल इत्यादि भी मिलते हैं ठीक है वहां पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ आश्चर्य जरूर होता है ओके okay. और कभी ये कहते हैं कि घास फूस के जो कई सारे आश्चर्य हैं वो भी दिखाई देते हैं अगर कोई ध्यान दे तो घास फूस के पास हमें देने के लिए बहुत से आश्चर्य हैं मखमली मुलायम घास पर चलना नदी के मीठे संगीत सुनना बहुत ही आनंददायक होता है और घास फूस में एक तितली को हम फूलों के रस को पीते हुए देख सकते हैं ऐसा मालूम होता है कि तितली एक छोटी सी नली से फूलों का रस पी रही है ओके बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं वहाँ पर खरगोश को छिपा हुआ तुरंत मुलायम घास पर चलते हुए खरगोश को वहाँ पर छिपा हुआ तुरंत नहीं देख सकते हैं हमारे पदछाप से वो डरकर कर बाहर उछलता हुआ आएगा जो कि एक बेहतरीन दृश्य होगा कभी कलियों से फूल बनने का वर्णन करते हैं पीले रंग वाले फूल जो कई दिन से खिले थे वे अब खिल गए हैं और उनके उनके पास जाओ तो ऐसा लगता है जैसे हिलते हैं वह दृश्य बड़ा सुहावना लगता है ठीक है उन घरों का वर्णन करते हैं जो घास भूमि में देखे जा सकते हैं घास भूमि का निरीक्षण करने पर हमें बहुत से घर दिखाई देते हैं ज़मीन में बिल और उनके छोटे से जानवर भी रहते हैं लंबी घास के नीचे घोसले तथा चीटी के रहने की जगह वहां भी देखी जा सकती है ओके okay. या yeah, यदि कोई ध्यान से देखना और सुनना चाहता है तो उस घास भूमि के अंदर बहुत सारे आश्चर्य पता चल सकते हैं ओके okay. यानी नाउ एक्सप्रेशन इन हिंदी लाइन बाय लाइन ओके मीडोज सरप्राइजेस यू कैन फाइंड इफ यू लुक

अद्भुत वस्तुओं की ओर खिंच जाएगा एक चरागाह किसी उत्सुक दृष्टि व तेज कान रखने वाले के लिए कुछ आश्चर्यजनक नई चीजें रखते हैं ठीक है यानी चरागाहों में अनेक आश्चर्यजनक चीजें हैं तुम उन्हें पा सकते हो देख सकते हो मखमली घास से होकर धीरे धीरे चलो और छोटी नदी की ध्वनि सुनो ओके नेक्स्ट You may see a butterfly rest upon a देख सकते हो जो की फूलों की पत्ती पर बैठी है ठीक है और वह अपने पीने वाले अंगों यानी मुंह को उस शहद रस को पीने के लिए खोलती है नेक्टर यानी अमृत जो शहद रूपी अमृत है उसको पीने के लिए ही खुलती है ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ यू मे इसके आर आर रेबिट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वैन ही तुम एक खरगोश खरगोश को भी चौंका सकते हो जो बहुत शांति से बैठा हुआ है यद्यपि शुरू में तो तुम उसे नहीं देख सकोगे किंतु जब वो फुदकेगा कूदेगा तुम उसे देख पाओगे ओके डेडिलियन ब्लो। यानी पोइट इन दिस द पोइट से एक डेडिलियन जिसका रोएदार सिरा होता है ठीक है और कुछ दिन पहले वो सुनहरा था गोल्डन था और हवादार पैराशूट जो हवादार पैराशूट था उसे उसी आकार में वो बदल गया है जो जब तुम फूंक मारते हो तो वो हिलता है पैराशूट की तरह ओके प्लीज टर्न ओवर एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज द ब्यूरो इन द ग्राउंड अ नेक्स्ट बेनेथ टॉल ग्रासेज द आंट्स अमेजिंग माउंट मुंड ओके इन दिस पोइम द पोइट सेज इन दिस स्टैंड द पोइट सेज चारा गाँव के घरों को ढूंढो जमीन पर पशुओं की मादों को लंबी घास में घोसलों को ओके okay, और चीटियों के आश्चर्यजनक टीलों को ओ चारा गाँव में कोई बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं ठीक है ओ मिरोज है सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग्स टू टेल यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल लिसन वेल ओके इन दिस स्टेंज द पोएट सेज कि ओ चारा गांव में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं और बताने के लिए कोई बात है तुम इन्हें स्वयं ढूंढ सकते हो यदि तुम ठीक तरह देखो और सुनो तो ओके okay? Student, is that clear? Now, thank you, students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.